हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एमएस वर्ड में पैथोलॉजी की जो रिपोर्ट है उसे कैसे बना सकते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो पैथोलॉजी की रिपोर्ट है ये मैंने खुद से जो है एमएस वर्ड में ही बनाई है। ये रिपोर्ट जो है सीबीसी की है। इसी तरीके से मैंने जो है यहाँ पर जो विडाल टेस्ट होता है जिसमें टाइफाइड मलेरिया का भी जाँच निकाला जाता है, वो भी मैंने रिपोर्ट यहाँ पर बनाई है। सेम इसी तरीके से आप भी जो है एमएस वर्ड में पैथोलॉजी की रिपोर्ट कैसे बना सकते हो, किस तरीके से ये पूरा फॉर्मेट को डिजाइन करना होता है, किस तरीके से ये रिपोर्ट बनानी होती है, इस वीडियो के अंदर आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप जो है पैथोलॉजी पर काम करना चाहते हैं, इस तरीके की रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है आप जो है खुद से जो है बनाना चाहते हैं, ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप एमएस वर्ड में पैथोलॉजी की रिपोर्ट कैसे बनाते हैं और पैथोलॉजी पर काम कैसे करते हैं इसकी कंप्लीट जानकारी आपको हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो पैथोलॉजी की रिपोर्ट है ये आपको केवल एक ही बार बनानी है, यानी ये जो फॉर्मेट हमने बनाया है केवल एक ही बार आपको बनाना होता है। इसके बाद जितनी भी जांच आपके पास आती है उस पेशेंट के हिसाब से आपको जो है इसके अंदर एडिट करना होता है। जैसे कि किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन यानी खून जो है 12% हो गया है, तो आप जो है इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पर जो है 2 टाइप करके 12 कर देंगे या फिर पूरा इसको एडिट कर सकते हो। इसके अलावा ये जो रेफरेंस दिया गया है इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी होती है, और ये जो दिया गया है इसमें भी आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी होती है। बस चेंज करना होता है तो ये जो आपका रिजल्ट आया है पेशेंट के हिसाब से उसके अंदर कौन सी चीजें बढ़ी हैं, कौन सी चीजें घटी हैं, उसको आप क्लिक करके इसको एडिट करते हो, और एडिट करने के बाद इसको प्रिंट करके कस्टमर को दे दिया जाता है। तो यहाँ से अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा था कि इस रिपोर्ट को क्या बार बार बनाना पड़ेगा, इस टेम्पलेट को बार बार बनाना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार अगर आपने इस टेम्पलेट को बना लिया तो आप बार बार इसमें एडिट करके रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको डॉक्टर का नाम चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक करके चेंज कर देंगे, पेशेंट का नाम चेंज करना हो तो आप इस पर क्लिक करके चेंज कर देंगे। ये सारी की सारी चीजों को जो है आप एडिट कर सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे जो है आपको एमएस वर्ड में पैथोलॉजी का ये टेम्पलेट बनाना होता है, किस तरीके से आपको ये रिपोर्ट तैयार करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ कंट्रोल एन से। नई फाइल लेने के बाद सबसे पहले आपको पेज का सेटअप करना है। पेज लेआउट पे जाना है और यहाँ पर आपको साइज पे क्लिक करके A4 साइज सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है आपको मार्जिन पे जाना है और यहाँ पर नैरो मार्जिन जो है सेलेक्ट कर लेनी है। ये दो सेटिंग आपको जरूर करनी है। इसके बाद जो है अब आपको इंसर्ट पे जाना है, यहाँ पर आपको सेप्स पे क्लिक करना है और ये वाला रेक्टेंगल सेप्स जो है इसको सेलेक्ट करना है। सेप्स को सेलेक्ट करने के बाद आपको इस तरीके से माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इस तरीके से इसको ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद आप इस नोड को पकड़ करके इधर खींच करके इसको एडजस्ट कर लेंगे। सेट करने के बाद इसके अंदर आपको कलर भरना है। कलर भरने के लिए आप फॉर्मेट टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव फील का आपको ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप जो भी कलर रखना चाहते हैं वो कलर सेलेक्ट करेंगे। ध्यान आपको ये देना है कि अगर आप गलती से बाहर क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट टैब गायब हो जाएगा। फॉर्मेट टैब को दोबारा से लाने के लिए आपको सेप्स पर क्लिक करना पड़ेगा। इसी के बाद जो है फॉर्मेट टैब खुलेगा, तभी आप जो है सेप का कलर चेंज कर पाएंगे। इतना करने के बाद जो है आपको दोबारा से इंसर्ट पे क्लिक करना है, दोबारा से सेप्स पे क्लिक करना है और इस बार जो है आपको ये वाला सेप जो है सेलेक्ट करना है, राउंडेड रेक्टेंगल। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ पर बना लेना है। बनाने के बाद जो है ये जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है इसको लेफ्ट बटन दबा करके क्लिक करिए और इस तरीके से राउंड कर दीजिए। राउंड करने के बाद जो है आपको इसको अपने हिसाब से कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है एडजस्ट कर लेना है, जैसा आप चाहो। एडजस्ट करने के बाद आपको इसके अंदर कलर भरना है। आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम येलो पर क्लिक करके येलो कलर भर देते हैं। इसके बाद आउटलाइन पे क्लिक करके नो आउटलाइन कर देंगे तो कुछ इस तरीके से डिजाइन निकल करके आएगा। अब हमें क्या काम करना है, दोबारा से इंसर्ट पे क्लिक करना है, सेप्स पे क्लिक करना है, दोबारा से यही वाला सेप्स जो है सेलेक्ट करना है और यहाँ से लेकर के कुछ इस तरीके से एक नया डिजाइन बनाना है। इस तरीके से सेप को बनाने के बाद दोबारा से आपको जो है इसके अंदर कलर भरना है, तो आप दोबारा से जो भी आपकी मर्जी चाहे वो कलर भर सकते हो। जैसे कि हम ये वाला कलर भरते हैं और आउटलाइन में नो आउटलाइन कर देंगे। ऐसा करते ही देखोगे एक अलग तरीके का डिजाइन ये दिखाई देगा आपके सामने। अब हमें क्या काम करना है, नीचे भी जो है एक शेप को ड्रैग करके एक अलग डिजाइन बनाना है। इसके लिए हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, सेप्स पे क्लिक करेंगे और दोबारा से यही वाला सेप लेंगे और यहाँ से जो है कुछ
कुछ इस तरीके से इतना पतला जो है यहाँ तक जो है ड्रैग कर देंगे, जिसमें हम लोग जो है एड्रेस टाइप करेंगे। कीबोर्ड में जो एरो बटन होती है ना, उसकी मदद से आप जो है इस शेप को इधर उधर खिसका सकते हो, ठीक है। जितना मर्जी आप चाहो इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग, जितना आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा इस तरीके से। इसके बाद जो है इस शेप का कलर करने के लिए फॉर्मेट टैब पर जाइए, यहाँ से जो भी कलर आपको पसंद है आप उस पर क्लिक करके उस कलर को फिल करेंगे। इसके बाद आउटलाइन में नो आउटलाइन कर देंगे, तो इस तरीके से जो हमारा ऊपर वाला डिजाइन है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी भी आप चाहो तो इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, जितना आपको अच्छा लगे। ऊपर वाला टेम्पलेट बन जाने के बाद अब हम यहाँ पर शॉप का नाम लिखेंगे, यानी जो हमारा पैथोलॉजी सेंटर का नाम है वो यहाँ पर लिखेंगे। इसके लिए हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, शेप पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ पर जो इस तरीके से ड्रैग कर देंगे। इसी के अंदर जो है हमने अपने पैथोलॉजी सेंटर का नाम लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आशा पैथ लैब। लिखने के बाद जो है आपको इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है, इसके बाद होम पे जाना है और इसका साइज जो है थोड़ा बढ़ा लेना है कुछ इस तरीके से, जितना आपको अच्छा लगे। इसके बाद इसे सेंटर कर देना है, इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देना है और अपने अकॉर्डिंग इसका आप चाहो तो यहाँ से फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। अभी के टाइम में मैं ये वाला फॉन्ट जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप इसी नाम से सर्च करेंगे तो आपको ये फॉन्ट आपके एमएस वर्ड में मिल जाएगा। अब लिखने के बाद जो है आपको क्या काम करना है, अभी आप देखोगे ये जो हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया है इसमें पीछे जो है कलर आ रहा है, तो उसको हटाने के लिए हम फॉर्मेट टैब पर क्लिक करेंगे। ध्यान आपको ये देना है कि अगर आप गलती से बाहर क्लिक करते हो तो फॉर्मेट टैब गायब हो जाएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो हम दोबारा से जब टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे ये फॉर्मेट आ जाएगा, यहाँ से क्लिक करके नो फिल कर देंगे और यहाँ पर क्लिक करके नो आउटलाइन कर देंगे, तो आउटलाइन भी हट जाएगा। इसके बाद जो है इसके अंदर जो कलर हमने भरा हुआ है उसको चेंज करने के लिए होम टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ से जो है हम व्हाइट कलर ले लेंगे और जो कीबोर्ड में एरो बटन है उसकी मदद से जो है हम इसे एडजस्ट करेंगे। आप चाहो तो इसे पकड़ के भी इस तरीके से यहाँ पर जो है एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जहाँ पर भी आपको एडजस्ट करना है। अभी आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा जगह हमें कम लग रही है, तो हम इसे भी सिलेक्ट करेंगे, इस शेप को भी सिलेक्ट करेंगे, इसको भी। तीनों को सिलेक्ट करने के बाद जो कीबोर्ड में एरो बटन है उसकी मदद से हम जो है डिजाइन को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, इससे हमें जो है यहाँ पर जगह मिल जाएगी। अब हमारा जो ऊपर का हेडिंग है वो कम्प्लीट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर ये जो लाल वाली पट्टी है इसके अंदर जो है हमें अपना कम्प्लीट एड्रेस लिखना है। एड्रेस को लिखने के लिए हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर शेप पर क्लिक करके यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स दोबारा ले लेंगे और यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से ड्रैग कर देंगे। इसके अंदर जो है हम जो भी पैथोलॉजी का एड्रेस है उसका कंप्लीट एड्रेस जो है इसके अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट एड्रेस लिख दिया है, आपको भी जो है अपने पैथोलॉजी सेंटर का जो एड्रेस है वो लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ले जा करके इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करते वक्त आप देखोगे ये जो हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया है इसमें कलर आ रहा है, तो इसको हम फॉर्मेट पे जा करके यहाँ से कर देंगे नो फिल और आउटलाइन भी कर देंगे नो आउटलाइन, इससे जो है कलर हट जाएगा। और इसके बाद जो है हम यहाँ पर ले जा करके इसको एडजस्ट करेंगे। और अगर आप ये जो लिखे हो टेक्स्ट इसका भी कलर चेंज करना चाहते हो तो होम टैब पर जा करके यहाँ से जो है आप कलर चेंज कर सकते हो। अब जो है हमारा एड्रेस भी कंप्लीट हो गया है, अब यहाँ पर हम लोगो लगाएंगे। तो लोगो आप अपना खुद का भी बना सकते हो या फिर जो मैं लोगो इस्तेमाल करने वाला हूँ वो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, आप भी इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं ये फोटो भेज दूंगा, आप उसे डाउनलोड करके यही लोगो जो है इस्तेमाल कर सकते हो। लोगो यहाँ पर लगाने के लिए हम सबसे पहले इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे शेप्स पे और यहाँ से सर्कल वाला जो शेप है इसे लेंगे और शिफ्ट बटन को दबा करके इस तरीके से बिल्कुल गोला इस तरीके से ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर जो है हम इसे एडजस्ट कर देंगे, थोड़ा सा और बड़ा करना हो तो शिफ्ट के साथ आप इस तरीके से बड़ा कर देंगे और जो कीबोर्ड में एरो बटन है उसकी मदद से आप इसे एडजस्ट करेंगे। इसके बाद जो है इसके अंदर फोटो लगाने के लिए हम जो है फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, जब ये शेप सेलेक्ट रहेगा तभी फॉर्मेट टैब खुलेगा। सेव फील पे जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर पिक्चर पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपने फोटो रखी है उसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने जो है डाउनलोड किया था तो डाउनलोड फोल्डर में है, हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए फोटो जो है इसके अंदर लग जाएगी। इसका आउटलाइन जो है हम व्हाइट कर लेंगे, तो यहाँ से क्लिक करके आउटलाइन व्हाइट सिलेक्ट करेंगे और आउटलाइन का जो विड्थ है वो थोड़ा सा मोटा कर लेंगे कुछ इतना, तो इस तरीके से हमारा लोगो दिखाई देगा। इसी तरीके से कंट्रोल बटन को दबाएंगे और इस साइड में ड्रैग करके शिफ्ट बटन दबा लेंगे तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल बटन दबाना है तो प्लस जैसा बन जाएगा, जैसा आप देख सकते हो माउस पॉइंटर प्लस जैसा बन गया है। शिफ्ट बटन के साथ इस तरीके से ड्रैग कर दोगे तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको एक डुप्लीकेट कॉपी इसकी बना लेनी है और इसके अंदर एक मशीन मैंने डाउनलोड की है, उस मशीन का जो लोगो है इसके अंदर लगा देना है। लगाना बिल्कुल आसान है, आप इसे सिलेक्ट करिए, यहाँ पर सेव फील पे जाइए और यहाँ पर पिक्चर पे जाइए,
ये देखिए यही हमने डाउनलोड किया है, हम इसे सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ये भी इसके अंदर लग जाएगा। तो इस तरीके से हमारा दोनों लोगो भी जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब जो है ऊपर का फॉर्मेट हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम नीचे की साइड में यहाँ पर जो है डबल क्लिक करेंगे तो हमारा माउस पॉइंटर जो कर्सर है वो यहाँ पर जो है टिमटिमाने लगेगा। अब यहाँ पर जो है हम पेशेंट का नाम, डॉक्टर का नाम, एज और डेट, ये सारी चीजें जो है लिखेंगे। तो पेशेंट का नाम लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले जो है यहाँ पी टाइप करेंगे और इसके बाद टी टाइप करेंगे, इसके बाद लगाएंगे डॉट। मैं थोड़ा सा और इसको जो है बड़ा कर लेता हूँ ताकि चीजें आपको सही तरीके से दिखाई दे। इसके बाद स्पेस दबाएंगे और लिखेंगे नेम, इसके बाद जो है स्पेस बटन दबाएंगे और यहाँ पर जो है पेशेंट का नाम लिखेंगे, जो भी पेशेंट है। लिखने के बाद जो है हम कम से कम 7 बार टैब बटन को दबाएंगे। आपके कीबोर्ड में एक टैब बटन होगा, उसको आप कम से कम जो है 7 बार दबा करके यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको लिखना होगा एज और इसके बाद स्पेस बटन दबा करके फॉरवर्ड स्लैश और इसके बाद जो है सेक्स लिखना होगा, इसके बाद जो है आपको स्पेस बटन दबा करके कॉलन लिखना है और इसके बाद जो है आपको एज बतानी है कितनी एज है, फिर इसके बाद स्पेस बटन दबा करके और इसके बाद जो है मेल है या फीमेल वो आपको इसके अंदर लिखना होता है। इतना काम करने के बाद आपको दोनों को जो है सेलेक्ट कर लेना है और इसका साइज जो है थोड़ा सा बढ़ा देना है, लगभग 14 के करीब, और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देना है। जो मेन हेडिंग होती है वो उसको हमको बोल्ड करके ही रखना है। इसके बाद आपको एंटर की को प्रेस करना है। अब नीचे से आपको जो है डॉक्टर का नाम लिखना है, जैसे कि मैंने जो है यहाँ पर रेफर डॉट बाई डॉक्टर, इसके बाद क्लोन और डॉक्टर का नाम इस तरीके से लिख दिया है, आपको भी जो है इसी तरीके से लिख देना है। इसके बाद जो है आपको टैब बटन दबाते हुए आगे की साइड में आना है यहाँ तक और यहाँ पर आपको लिखना है डेट, जिस डेट को ये रिपोर्ट बनाई जा रही है वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। हम यहाँ पर डेट लिखेंगे, इसके बाद कोलन का सिंबल और यहाँ पर वो डेट डाल देंगे। इस तरीके से हमारा यहाँ तक का स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर जो है हम यहाँ पर एक छोटा सा डिजाइन बनाना भूल गए हैं, जो कि आप इसमें देख सकते हो यहाँ पर छोटा सा डिजाइन है, उसको अगर आप भी बनाना चाहते हो, वैसे नहीं बनाओगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको यहाँ पर कोई डिजाइन बनाना है तो आप इंसर्ट पे क्लिक करिए, सेव्स पे क्लिक करिए और यहाँ से आपको जो भी डिजाइन पसंद है आप वो डिजाइन बना सकते हो। जैसे कि हमने ये स्टार वाला बनाया था तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट बटन को दबा लेंगे, बिल्कुल सही तरीके से गोल में ये डिजाइन बनेगा। इसको बनाने के बाद जो है हम इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे और इसकी जो है कंट्रोल बटन दबा करके एक कॉपी तैयार कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से एक डिजाइन भी बन जाएगा, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई दूसरा भी डिजाइन यहाँ पर रख सकते हो। अब जो है हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब हम एक बार और एंटर की को प्रेस करेंगे। एंटर की को प्रेस करने के बाद अब यहाँ से जो है हम ये चीजें लिखेंगे, जो कि टेस्ट है, रिजल्ट और बायोलॉजिकल रेफरेंस और यूनिट, ये सारी चीजें जो है हमको लिखनी है। लिखना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है टेस्ट। टेस्ट लिखने के बाद जो है आपको 6 बार टैब बटन को दबाना है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आने के बाद जो है आपको लिख देना है रिजल्ट। जैसे ही आप रिजल्ट लिख दोगे तो आपको 2 बार जो है फिर से टैब बटन दबाना है। अब आपको यहाँ पर रेफरेंस लिखना है, यानी कि ये वाला बायोलॉजिकल रेफरेंस इंटरवल आपको जो है इसी तरीके से वहां पर लिख देना है। तो चलिए हमने इसे कॉपी कर लिया है, हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसको लिखने के बाद आपको जो है स्पेस बटन 3 बार दबाना है। जैसे ही आप 3 बार स्पेस बटन दबाएंगे, 1 बार टैब बटन दबाएंगे तो आपको जो है इतनी जगह मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पर लिखना है यूनिट। यूनिट लिखने के बाद अब आपको एंटर की को प्रेस करना है, नीचे की साइड में आना है और यहाँ पर जो है सेंटर पर क्लिक कर देना है। अब आपको सेंटर में जो है हेमाटोलॉजी की एक नई हेडिंग बनानी है, इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद जो है हम शेप्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक लाइन शेप लेंगे और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। शिफ्ट बटन को दबा लोगे तो बिल्कुल सीध में लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी और इसका जो आउटलाइन है ना थोड़ा सा मोटा कर लेंगे कुछ इतना और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी नीचे बना लेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बटन को दबा के रखेंगे, नीचे की साइड में ड्रैग करेंगे तो एक इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। इस तरीके से आपका ये वाला हेडिंग भी कंप्लीट हो जाता है और ये जो हमने हेमेटोलॉजी लिखा है ये भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है अब हमें फिर से एक बार एंटर की को प्रेस करना है और ये जो कर्सर यहाँ टिमटिमा रहा है हम यहाँ पर क्लिक करके इसको साइड में लेकर आएंगे और अगली हेडिंग लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कंप्लीट ब्लड काउंट और सीबीसी शॉर्ट में लिख देंगे। लिखने के बाद जो है फिर से एक बार एंटर की को प्रेस करेंगे। इसके बाद जो है अब यहाँ से हमें जो है वो सारे के सारे टेस्ट लिखने हैं, जो टेस्ट हमने यहाँ पर आपको दिखाए हैं, देख लीजिए आप इसे एक बार। ये जो सारे के सारे टेस्ट है यही आपको लिखने हैं। लिखना कैसे है अभी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन हमने जो है यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है ये आपको ध्यान देना है। अब हमें हीमोग्लोबिन लिखना है, TLC और इसके बाद लिम्फोसाइट, इसिनोपेलिया, जो भी टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे ये सभी टेस्ट जो है हमें वहां पर लिखने हैं। लिखने के लिए जो है हम एंटर बटन दबा करके नीचे की साइड में आएंगे। हीमोग्लोबिन लिखने के बाद आप इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जो है अंडरलाइन हटा देंगे और बोल्ड भी हटा देंगे कुछ इस तरीके से। अब आपको जो है टैब बटन दबाते हुए आगे की साइड में आना है। ये जो रिजल्ट
लिखा हुआ है आपने, इसके सीध में आपको आना है। रिजल्ट में हमको वो लिखना होता है जितना परसेंट जो है पेशेंट का हीमोग्लोबिन है। जैसे कि हम जो है 11.5% ग्राम और यहाँ पर जो है परसेंटेज का सिंबल इस तरीके से डाल देंगे, बस यही लिख देना है। इसके बाद आपको टैब बटन दबाते हुए आगे की साइड में आना है इसके सीध में, और यहाँ पर आपको रेफरेंस देना होता है कितना ग्राम रहना चाहिए। तो 12.5 से ले करके यहाँ पर जो है माइनस का सिंबल लगा करके स्पेस बटन दबाएंगे, 16.5 तक जो है रहना चाहिए। इसके बाद जो है हम फिर से 3 बार टैब बटन को दबाएंगे, 1, 2, 3, इसके सीध में आ जाएंगे और यहाँ पर जो है हम GM यानी ग्राम टाइप कर देंगे। इसी तरीके से हम फिर से एंटर बटन को दबाएंगे और जो अगला टेस्ट है उसका नाम लिखेंगे। अगला टेस्ट है TLC, इसको लिखने के बाद जो है आपको टैब बटन दबा करके इसके सीध में आना है। रिजल्ट वाले में कितना रिजल्ट आया है वो यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे 4400 स्पेस लिख करके CMM इसका जो मात्रक है उसे लिखेंगे। इसके बाद टैब बटन दबाते हुए इस वाले सीध में आएंगे, रेफरेंस कितना रहता है वो हम लिखेंगे 4000 से लेकर के, स्पेस बटन दबाएंगे, माइनस वाला सिंबल दबाएंगे, फिर स्पेस बटन दबाएंगे, यहाँ पर जो है रहता है 10000 के करीब, तो हम यहाँ पर 10000 लिख देंगे। और इसके बाद टैब बटन दबाते हुए आगे की साइड में बढ़ेंगे बिल्कुल इसके सीध में यूनिट वाले में, और यहाँ पर CMM जो यूनिट है उसको जो है टाइप करेंगे। इसके बाद जो है आपको पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि आप देखोगे जो ये रिपोर्ट हमने तैयार की है जिस तरीके से रिपोर्ट निकलती है उसमें ये जो टेस्ट का कलर होता है वो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा कम हाईलाइट होता है। तो इसका कलर चेंज करने के लिए हम इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जो है ये वाला कलर सेलेक्ट करेंगे। ऐसा करते ही कलर जो है पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। अब हम जो है यहाँ पर करेंगे लास्ट में और एक बार एंटर की को प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो है अगली टेस्ट का नाम लिखेंगे। तो जो हमारा अगला टेस्ट है वो है ये वाला। हम इसे लिखने के बाद टैब बटन दबाते हुए इस साइड में आएंगे पूरा बिल्कुल इसके सीध में, जितना रिजल्ट आया है वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे इसके बाद जो है यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे, टैब बटन दबाते हुए हम लोग इस सीध में आएंगे बिल्कुल, और कितना रहना चाहिए वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे, कितनी रेंज रहनी चाहिए। इसको टाइप करते हुए हम आगे की साइड में बढ़ेंगे बिल्कुल इसके सीध में और यहाँ पर जो है हम परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। इसके बाद जो है हम फिर से एंटर की को प्रेस करेंगे, अगली टेस्ट का नाम यहाँ पर लिखेंगे। अगले टेस्ट नाम लिखने के बाद टैब बटन दबाते हुए बिल्कुल सीध में इसके आएंगे। टैब बटन ही इस्तेमाल करना है, इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। बिना टैब का आप करोगे तो बिल्कुल सीध में नहीं आ पाओगे, इतना आपको ध्यान देना है। कितना रिजल्ट आया है पेशेंट का जांच करने के बाद वो यहाँ पर हमें लिखना होता है। इसके बाद टैब बटन दबाते हुए आगे की साइड में आना होता है, कितना रेफरेंस रहता है वो हमें यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर जो है परसेंटेज में मापा जाता है इसलिए हम परसेंटेज यहाँ पर लगा देंगे यूनिट। इसके बाद जो है आपको फिर से एंटर बटन को दबाना है और जो अगला टेस्ट है उसका नाम लिख देना है। तो चलिए फटाफट से मैं सारे टेस्ट के नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों एक एक करके मैंने सारे के सारे टेस्ट जो है यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आपको भी क्या काम करना है, ये जो सारे के सारे टेस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं यही सारे के सारे टेस्ट जो है आपको देख देख करके लिखना है। बस आपको लिखने का जो तरीका है वो अच्छे से समझ लेना है कि सबसे पहले आपको टेस्ट का नाम लिखना है, इसके बाद जो है जो टैब बटन होता है ना उसी को दबाते हुए आपको अगली लाइन में जाना है। टैब बटन को दबाते हुए आप अगली लाइन में जब जाओगे तो बिल्कुल सीध में जो है आप लिख पाओगे। अगर आप स्पेस बटन का इस्तेमाल करोगे तो इधर उधर चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो जिस तरीके से मैंने आपको ये चारों टेस्ट लिख करके दिखाए हैं सेम उसी तरीके का इस्तेमाल करके मैंने जो है नीचे के सारे टेस्ट लिखे हैं टैब बटन दबाते हुए। इन सभी को भी आपको जो है लिख करके कम्प्लीट करना है, बहुत आसान है, आप लिख लोगे। लिखने के बाद जब आप नीचे की साइड में आओगे जहाँ पर आपके सारे के सारे टेस्ट कम्प्लीट होते हैं यहाँ पर आपको जो है एक बार एंटर की को दबाना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको सेंटर पर क्लिक करके इसको सेंटर कर लेना है और इसका साइज जो है 14 के करीब कर लेना है। अगर आपने ये जो रिपोर्ट तैयार की है वो 2 पेज की है तो यहाँ पर आपको page 1 of 2 लिखना है। जैसे कि आपको ** दबा करके यहाँ पर आपको लिखना है page 1 of 2 इस तरीके से लिख करके फिर आपको जो है स्टार इस तरीके से बना देना है। अगर आपकी रिपोर्ट 2 पेज में है तो यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर लीजिए और इसे थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए। लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट केवल 1 ही पेज में है तो यहाँ पर आपको जो है एंड ऑफ रिपोर्ट लिख देना है, एंड ऑफ रिपोर्ट इतना ही आपको लिख देना है, ये आपका यहीं पर एंड हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको नीचे का डिजाइन कम्प्लीट करना है जो कि हमने कुछ इस तरीके से बनाया है। इसको बनाने के लिए आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, सेप्स पे जाना है और यहाँ से रेक्टेंगल वाला
स्टेप्स लेना है। इस तरीके से आपको यहाँ तक जो है ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद जो है इसके अंदर जो भी आप कलर रखना चाहते हो वो कलर भर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ से जो है आउटलाइन जो है इसकी नो आउटलाइन कर देंगे। इसके बाद जो है अब यहाँ पर जो है हमको लिखना है जो हमने यहाँ पर लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हो जांच सही तो इलाज सही। लिखने के लिए सेम वही काम करना है, हमें जो है इंसर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है और टेक्स्ट बॉक्स को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है जिस तरीके से हमने आपको ऊपर का डिजाइन में टेक्स्ट बॉक्स में बताया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी लिखना है। यहाँ पर हमने जो है लिख दिया है जांच सही तो इलाज सही, और जो हमने फॉन्ट का इस्तेमाल किया है ये हमने निर्मल फॉन्ट का इस्तेमाल किया है, ये देवनागरी फॉन्ट है, ये आपके भी एमएस वर्ड में होगा या फिर जो है आप हिंदी का कोई दूसरा फॉन्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। लिखने के बाद जो है आपको इसका साइज बढ़ा लेना है जितना आप रखना चाहो, इसे सेंटर में कर देना है और इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देना है इस तरीके से, थोड़ा सा और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। इसके बाद जो है आपको इसका कलर जो है व्हाइट रख लेना है और इसको जो है नीचे ले ला करके इस पे एडजस्ट करना है कुछ इस तरीके से। अभी आप देखोगे इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसका कारण ये है कि शेप के अंदर भी कलर है। उसको हटाने के लिए हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके शेप को नो फिल कर देंगे और आउटलाइन को भी नो कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। और हम जो है इसे अपने अकॉर्डिंग कीबोर्ड में जो एरो बटन है उसकी मदद से जो है हम यहाँ पर सही तरीके से इसको रख लेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर इस तरीके से एक लोगो हम लोग लगाएंगे और इस तरीके से पैथ काइंडली करके ये एरो बनाएंगे जैसा कि हम यहाँ पर बनाए हैं, तो हम इस वाले में भी बना करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम एरो बना लेते हैं, तो एरो आपको जो है एरो वाले में मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला एरो है, इसको आप इस तरीके से क्लिक करके बनाएंगे, यहाँ पर ये एरो बन जाएगा। जहाँ पर भी आपको एडजस्ट करना है आप इसे आराम से जो है कीबोर्ड में जो एरो बटन है उसकी मदद से जो है एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पैथ काइंड। लिखने के लिए जो है हम फिर से इंसर्ट पे क्लिक करके यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे और इसको ड्रैग करके इसके अंदर हम लोग लिखेंगे पैथ काइंड। लिखने के बाद जो है सेम वही काम करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्लिक करके इसका साइज जितना मर्जी चाहे उतना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, सेंटर में कर लेंगे, थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे और यहाँ से फॉर्मेट पे क्लिक करके नो फिल और नो आउटलाइन कर देंगे और इसको जो है टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर ला करके इसको एडजस्ट करेंगे, इसको पकड़ करके यहाँ पर ला कर एडजस्ट करिए। इसका जो कलर है अगर उसको चेंज करना चाहते हो तो होम टैब पर क्लिक करके यहाँ से जो है व्हाइट कलर कर लेंगे, और थोड़ा सा अगर बड़ा करना हो तो अभी भी आप इस तरीके से बड़ा करके जो कीबोर्ड में एरो बटन है उसकी मदद से अभी भी आप इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं सेट कर सकते हो। अभी हमको यहाँ पर एक छोटा सा और लोगो लगाना है जिसके लिए हम जो है इसको इधर एडजस्ट करेंगे, तो एडजस्ट करने के लिए हम सभी को जो है एक साथ सेलेक्ट करेंगे और जो कीबोर्ड में एरो बटन है उसकी मदद से जो है हम इस साइड जो है बिल्कुल सेट कर लेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा लोगो लगाएंगे। ये जो मैंने लोगो लगाया है ये इंटरनेट से ही मैंने डाउनलोड किया है, आपको इस लोगो का भी लिंक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जहां पर आप क्लिक करके डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर पाओगे। तो लोगो भी हम लोग लगा लेते हैं, जिसके लिए इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपने लोगो रखा है उसे सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, लोगो जो है इसके अंदर आ जाएगा। यहां पर जो है फॉर्मेट टैब खुलेगा, तुरंत फॉर्मेट टैब पर क्लिक करना है, टेक्स्ट वैपिंग पे क्लिक करना है और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद जो है ये जो नोड बने हैं इन नोड की मदद से जो है इस लोगो को हमें छोटा कर लेना है और जहां पर भी हमें एडजस्ट करना है वहां पर हम जो है इसे खिसका करके इस तरीके से लाएंगे और थोड़ा सा और छोटा करके यहां पर जो है हम इसे एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हो कीबोर्ड में जो एरो बटन है उसकी मदद से भी जो है आप इसे एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जहां पर भी आपको इसे एडजस्ट करना है आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। अब बाकी रह गया है तो केवल एक चीज, यहां पर हमें लिखना है फुल्ली ऑटोमेटेड कंप्यूटर लैब, तो जिसके लिए हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहां पर जो है टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था और इसके अंदर हम जो है लिख देंगे, जैसे कि मैं इसके अंदर लिख देता हूं, और इसके बाद जो है इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पे क्लिक करके इसको जो है नो फिल कर देंगे, यहां से नो फिल और यहां से जो है नो आउटलाइन इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, छोटा करना हो तो, और इसके बाद जो है इसको बिल्कुल सेंटर में जो है एडजस्ट कर देंगे। सेंटर में आप यहां से भी जो जाकर के सेंटर में बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हो, नीचे की साइड में थोड़ा सा ला करके रख देंगे। अब दोस्तों पैथोलॉजी वाला जो हमारा फॉर्मेट है वो लगभग जो है कंप्लीट हो गया है, बस हमें यहाँ पर जो है एक वाटरमार्क लगाना है, तो वाटरमार्क भी लगा लेते हैं हम लोग। यहाँ पर पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है हमको कॉन्फिडेंटल ये जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है, तो कॉन्फिडेंटल इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है हमें अपने पैथोलॉजी का नाम लिखना है, जिसके लिए हम दोबारा से वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, नीचे की साइड में जो है कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो ये कॉन्फिडेंटल लिखा हुआ था इसको हम जो है हटा करके यहाँ पर जो है अपने पैथोलॉजी का नाम लिखेंगे। लिखने के बाद जो है आप चाहो तो यहाँ से कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हो, जो भी आपको चेंज करना हो। नहीं चेंज करना है तो डायरेक्ट आप अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए और इसके बाद क्लोज पर क्लिक कर दीजिए, तो आप देखोगे यहाँ पर जो है आपका वाटरमार्क भी लगा हुआ मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको इसे सेव
कर लेना है। सेव करने के लिए कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो भी सेव करने की विंडो आ जाएगी, या फिर जो है आप ऑफिस बटन पर क्लिक करके सेव पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जो है अपने फाइल का नाम जो है यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हम पैथ लिख देते हैं, जहाँ पर सेव करना है उस पर क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो है ये आपका रिपोर्ट जो है सेव हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने फॉर्मेट तैयार किया है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। एमएस वर्ड की इस फाइल को आप डायरेक्ट टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे, जिससे आपको ये फायदा होगा कि आपको ये सारी चीजें लिखनी नहीं पड़ेगी, ये सारी चीजें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। इसके अलावा ये फॉर्मेट भी आपको तैयार हुआ मिल जाएगा, बस चेंज करना होगा। तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपने लैब का नाम चेंज करेंगे, पेशेंट वगैरह का नाम, एड्रेस वगैरह चेंज करके आप इसी फॉर्मेट को भी इस्तेमाल कर पाओगे। वैसे मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में समझाया है कि पैथोलॉजी की जो रिपोर्ट बनती है वो कैसे बनाई जाती है, कैसे फॉर्मेट तैयार किया जाता है। साथ में मैं आपको ये फॉर्मेट भी टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूँ, तो आप डायरेक्ट वहाँ पर क्लिक करके इस फॉर्मेट को भी डाउनलोड कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि एमएस वर्ड में पैथोलॉजी का फॉर्मेट कैसे तैयार किया जाता है, पैथोलॉजी की रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, तो ये वीडियो आप जरूर लाइक करिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।